वैसे सर टैप किसे कर रहे हैं, कौन है? बड़ी हस्ती है। हमारा नाम शिव प्रकाश शुक्ला है। मंत्री जी प्रणाम, शुक्ला बोल रहे हैं। व्यवस्था कीजिए वरना कर देंगे फेमस। पूरा शहर इनके कब्जे में है। जुर्म के रास्ते कितने ही मखमली क्यों ना हो सर, खत्म तो जेल के कंबल में ही होते हैं। जो हमको पकड़ सके वो आदमी पैदा ही नहीं हुआ। कहाँ होगी फिल्म की पूरी शूट, कौन लिखेगा फिल्म के डायलॉग्स, कैसे फिल्म होगी मिर्जापुर से इंस्पायर। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज, और मैं हूँ आपकी दोस्त एंड आपकी होस्ट स्वाति तिवारी। तो दोस्तों, फिल्म दिलजले में दिखाई गई कई लोकेशंस बहुत ही सुंदर थी। पहले की ज्यादातर फिल्में 2-3 लोकेशन में शूट हुआ करती थी। फिल्म दिलजले में भी हमें इंडिया की कई जगहों की शूट देखने को मिली, पर ऐसा नहीं है कि फिल्म में सिर्फ इंडिया की लोकेशन ही थी। फिल्म के अंदर का मशहूर गाना हो नहीं सकता, जिसे लोगों का बहुत प्यार मिला। इस गाने का शूट स्विट्जरलैंड में किया गया था और फिल्म के अंदर दिखाए गए पहाड़ और बर्फ के सीन्स इंडिया के मिनी स्विट्जरलैंड कश्मीर और मनाली में किए गए। ऐसे में दिलजले 2 की भी शूट में हमें कश्मीर की लोकेशन देखने को मिल सकती है। धारा 370 के हटने के बाद कश्मीर में कई बदलाव देखने को मिले हैं। इंटरनेट भी वहां अब शुरू कर दिया गया है। पहले फिल्म की शूट के लिए कश्मीर में जाना काफी खतरनाक होता था, पर अब बिल्कुल सेफ है। ऐसे में दिलजले 2 के लिए कश्मीर की वादियों में शूट करना और लोगों को उन नज़ारों को फिल्म में देखना काफी अच्छा लग सकता है। हिंदी सिनेमा की शुरुआत हुई ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म राजा हरिश्चंद्र से, जिसमें एक भी डायलॉग नहीं था, पर धीरे धीरे सिनेमा में ग्रोथ देखने को मिली और फिल्म अलमारा से आई पहली बोलती फिल्म, जिसमें हमें सिर्फ एक्टिंग नहीं बल्कि डायलॉग भी सुनने को मिले। और आज 2022 में बॉलीवुड के डायलॉग इतने फेमस हैं कि फिल्म के नाम से ज़्यादा लोग फिल्म के डायलॉग्स याद रखते हैं, फिर वो चाहे शोले का इन कुत्तों के सामने मत नाचना बसंती या अमिताभ बच्चन का रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। सबको ये डायलॉग जरूर याद होंगे, भले ही फिल्म याद हो या ना हो। ऐसे में दिलजले के डायलॉग, आग जो दिल में लगी है उसे पूरी दुनिया में लगा दूंगा, जैसे डायलॉग जिन्हें लिखा था करण राजदान ने, और ऐसे ही डायलॉग्स को टक्कर देने के लिए फिल्म दिलजले 2 के लिए भी फिल्म के मेकर्स करण राजदान को ही फिल्म में डायलॉग लिखने के लिए रख सकते हैं, और एक बार फिर हमें ऐसे आइकॉनिक डायलॉग्स पर्दे पर सुनाई दे सकते हैं। एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा मसाला देती है लोगों को, जिसे कहते हैं पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स चाहे देश की हो या फिल्म में दिखाई जाने वाली, सारी इतनी गंदी दिखाई जाती हैं। और कुछ ऐसी पॉलिटिक्स हमने दिलजले फिल्म में भी देखी थी, जिसके बाद कैसे एक आम इंसान के अंदर की ताकत से सामना हुआ गंदी पॉलिटिक्स का। वैसे तो इन दिनों काफ़ी सीरीज और फिल्मों में देश की राजनीति दिखाई दे रही है, जैसे मिर्ज़ापुर के अंदर एक घर के अंदर की राजनीति दिखाई, जिसको लेके काफ़ी चीज़ें जो पूरे शहर में बदलाव लाती है, और कैसे 2 पढ़ने लिखने वाले लड़के होते हैं मिर्ज़ापुर के उस घर की राजनीति में शामिल और ज़िंदगी में आते हैं बदलाव। फिल्म दिलजले की कहानी भी कुछ ऐसी ही है कि कैसे एक सीधे साधे लड़के की ज़िंदगी में आते हैं बदलाव राजनीति के कारण। ऐसे ही एक और नई पॉलिटिक्स हमें दिलजले 2 में देखने को मिलेगी, और उससे आने वाले बदलाव से कैसे आता है हीरो की ज़िंदगी में बदलाव, ये हमें फिल्म में देखने को मिलेगा। आपको क्या लगता है, क्या इस फिल्म के डायलॉग्स भी सबकी जबान पर होंगे? हमें अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। जाते जाते इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक खुश रहें और सेफ रहें।